हेलो गाइज, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक्सर में। हम लोग देखेंगे आज अलजेब्रा से संबंधित कुछ क्वेश्चन, जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, इस पर किस तरीका से क्वेश्चन आता है, इस पर किस तरीका से क्वेश्चन आएगा, है ना, इसको हम देखेंगे। ठीक है, ये देखिए आपको जो दे रहेगा यहाँ पर 2x + 2y का होल स्क्वायर, है ना। देखिए यहाँ पर, है ना, तो आपको आ गया ए, इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे, तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई। ठीक है, तो क्या हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, या इसका दूसरा सूत्र भी होता है, है ना, ए स्क्वायर, खाली इसको बीच में आता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों में किसका भी प्रयोग कीजिए, ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो इसका भी टूटेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका दिल है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ज़्यादातर आपका बुक में देखने को ही मिलेगा। ठीक है, ये कम देता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या है, सेम ही है। तो पहले क्या तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे ए स्क्वायर पर, है ना, ए बी आ गया, तो आ गया तुमको ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसमें ए का मान कितना है, 2x, है ना, तो ए के स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है जी, 2y का होल स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2 गुना ए का मान कितना है, 2x, और बी का मान कितना है, 2y। तोड़ेंगे इसको, ठीक है, तोड़ेंगे इसको, हम क्या करेंगे, डबल गुना करेंगे, यानी इसको हम करेंगे 2x गुना कितना करेंगे, 2x करेंगे, हो गया, इसका हो गया प्लस देंगे। ठीक है, इसका डबल गुना करेंगे, यानी 2y गुना कितना होगा, 2y प्लस, है ना, 2 गुना 2x प्लस 2y। देखिए क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे ना, पहले अंक से अंक गुना कर लीजिए, अंक से अंक को गुना करें, क्या करना है, अंक से अंक को, कितना आएगा, 2 × 2 = 4। ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, हम एक्स से एक्स गुना करेंगे, फिर इससे से गुना करेंगे। देखिए, तो एक्स गुना एक्स, यहाँ पर भी पावर एक है, यहाँ पर पावर एक है, छुप रहा है ना, तो जब घात, जब आधार समान रहे, और घात आपका क्या है, आधार भी समान या भिन्न भिन्न रहे, है ना, घात समान या भिन्न भिन्न रहे, है ना, तो ये आपका क्या होता है, तो दोनों के बदले क्या होता है, एक लिखा जाता है, और हमेशा घात क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी क्या आएगा, 2 आ जाएगा, यानी x गुना x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, ये देखो एक हो गया, एक ये हो गया, देखिए कितना होता है, 2, है ना, तो कितना आ गया आपका, x स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, आएगा x स्क्वायर, 2 × 2 = 4 आ गया, x गुना x कितना होगा, x के स्क्वायर, यानी पावर 2। फर्स्ट क्या करेंगे, किसको गुना कर लीजिए, तो कितना आएगा, 2 × 2, है ना, अब क्या करेंगे, 22 गुना करेंगे, तो कितना आएगा, देखो 22 × 22, तो इसी x गुना x कितना आ गया, x स्क्वायर आ गया, उस तरह से क्या आएगा, उस तरह से क्या आएगा, 22 × 22 क्या आएगा जी, 22 × 22 22 स्क्वायर। ठीक है, पर क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 कितना होगा, 8, यहाँ पर कितना है x, यहाँ पर कितना है 22, एक तो आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर। देखिए हम कब काम करेंगे, जब दोनों समान रहे, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर 22 स्क्वायर, यहाँ पर x y है, तो इधर तीनों में हमको कुछ नहीं मिल रहा ना, मिल रहा है x y सब में है, लेकिन यहाँ स्क्वायर में है, ये 22 स्क्वायर में है, ये x और y है ना, तो है ना, तो मिल रहा ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको एक्यूरेट नहीं मिल रहा, स्क्वायर में ये मिला है x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए स्क्वायर कहाँ पर नहीं है, 22 स्क्वायर है तो 22 स्क्वायर भी कहाँ नहीं है, x है तो x भी कहाँ नहीं है, y है तो y भी नहीं कहाँ है ना, ऐसा भी क्या स्क्वायर में है, ये क्या स्क्वायर में नहीं है, इसका काम क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखेंगे आगे, अब तुम्हें दे रहा है आपके जैसे मतलब 3x + 1y4 के होल स्क्वायर, ये आपका, है ना, तो कैसे देखेंगे इसको, काम उसे करेंगे, ए है, इसको ए है, ए का मान क्या है, बी का मान, है ना, तो क्या होगा आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ जी, प्लू का यहाँ पर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, देखिए तो क्या होगा आपका, ए स्क्वायर प्लस 1y4 के होल स्क्वायर प्लस 2 × a = 3x + b = 1y4, देखिए यहाँ 2 × 2 = 4 कर दिया आपका, कर दिया ना, अब क्या गुना करेंगे ना, 3 × 2 = 2 कितना आएगा, 3 × 2 = 2, तो ऐसे कर दो इसको, तो अब है ना, अपने अपने मन से करना, ठीक है, गुना ऐसे नहीं करना है, अपने मन से गुना करना है, 3 को करेंगे 2 × गुना, यानी 3 को ही 2 × गुना, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे कि 3 × 6 गलती हो, ठीक है, यानी हम 3 × 6 नहीं करेंगे, ये आपका क्या है, गलती है, ठीक है, क्या करेंगे हम, 3 को ही 2 × गुना करेंगे, क्या करेंगे, 3 को 2 × 3 कितना आएगा, 9 आएगा, है ना, यानी इसी को ही केवल गुना करना है, ना 2 × गुना करना है, जितना पावर रहेगा उतना बार जो गुना करेंगे, 2 है तो 3 को 2 × गुना करेंगे, 3 × 3
यहाँ पर तीन रहेगा तो तीन को तीन बार गुना करेंगे, तीन गुने तीन करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि जो संख्या दिया रहे उसी को क्या करना है, उतना बार गुना करना, जितना पावर दिया रहे। तो दो दिया है पावर, दो गुना करेंगे तो कितना आएगा, तीन किया नौ। अब क्या करेंगे, एक्स को करेंगे दो बार गुना तो कितना आएगा, एक्स गुना एक्स, देखिए यहाँ बताए थे तो एक्स गुना एक्स करेंगे कितना आएगा आपका, आएगा आगे स्क्वायर आगे ना प्लस, देखो और वन बाई फोर का स्क्वायर है, जिसका मतलब क्या होता है ना कि एक को भी दो बार गुना करेंगे और चार को भी दो गुना करेंगे, ठीक है। यानी स्क्वायर है ना जो एक पर भी है और किस पर है, चार पर भी है ना, तो एक का स्क्वायर करेंगे दो बार तो कितना आएगा, एक का स्क्वायर करेंगे दो बार कितना आएगा, तो वन गुना बार कितना आएगा, वन आएगा, और चार के दो बार गुना कितना आएगा, चार चौके सोलह आ गया। अपना अब दो दो कट गया, अपना दो दिन चार, तो फिर क्या बच गया, ऊपर क्या बच गया थ्री एक्स, नीचे क्या बच गया बाई टू, या फिर क्या होगा आंसर, ठीक है। इस तरह से क्या करना है, बनाना है। अब ये आपका क्या हो गया है ना, इस एक तरफ वाई बराबर, ठीक है। अब आपका देगा ऐसे देगा, आपका करेगा इसमें इतना कि यहाँ पर देगा कि इसका होल स्क्वायर, ठीक है। या इसको हम कर सकते हैं ऐसे कर सकते, दो का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, कहेगा कि इसको है ना गुना करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको हम, है ना, ए प्लस बी का कैसे करेंगे इसको, पहले हम क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ते हैं हम क्या तोड़ेंगे इसको, हमें सौ प्लस दू ऐसे कर रहे हैं, इसको तोड़ दिए सौ प्लस दू कि होल स्क्वायर लाएंगे। यह देखिए इसको हम गुना भी कर ऐसे कर सकते हैं, एक सौ दो गुना क्या करेंगे एक सौ दो, क्योंकि स्क्वायर में है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो संख्या दिया रहे उसी को क्या करना दो बार, लेकिन हमको इस तरीके से गुना नहीं करना है, हमको करना किस पर करना है, सर्व समीकरण दिया हुआ उस पर या सूत्र पर हमको काम करना है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर तो क्या होगा, ए स्क्वायर सब इसको ए मानते हैं, क्या मानते हैं, बी मानते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस क्या होगा जी, होगा बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो प्लस टू गुना ए का मान कितना आ गया सौ आ गया, और गुना कितना आएगा बी का मान कितना आएगा जी, बी का मान टू आएगा, ए का मान सौ बी का मान टू, तो सौ को करेंगे दो बार गुना कितना आएगा आपका, कितना देगा दस हज़ार आएगा, प्लस कितना आएगा दोगुनी चार, दोगुनी कितना आएगा आपका चार सौ, कितना आएगा दोगुनी कितना आएगा चार सौ आएगा। अब जोड़ेंगे ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर वन जीरो एक बार चार सौ तो हो गया प्लस, तो कितना आएगा आपका चार सौ चार आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आगे जोड़ेंगे, तो देखते कितना आता है, यहाँ पर चार आ गया जीरो को जीरो आ गया, यहाँ पर चार आ गया, यहाँ पर कितना जीरो वन, यहाँ पर क्या हो गया सर हो गया सर आपका, है ना। तीन सौ क्या तुम्हारा बढ़ेगा, इससे अब आपसे आ गया तुम्हारा है ना, ऐसे तुम्हारा बनेगा। तो ए आपका क्या है, ए प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर पर था, अब हमको अब हमको बताया गया हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, ठीक है, बताने चलेंगे इसको। इसका स्क्रीन शॉट रिकॉर्ड लीजिए, समझ रहा तो इसको देख लीजिए आपको, है ना। अब चलेंगे हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर हम चेंज करते हैं, अब चलेंगे हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, चलिए अब हम चलेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर। सूत्र होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी, है ना। इस आपका क्या सूत्र होता है, ये आपका होता है ना, और इसी का एक और होता है ए स्क्वायर, इसको खाली बीच में कर दो माइनस टू ए बी प्लस क्या होगा आपको बी स्क्वायर, ठीक है, होगा बी स्क्वायर। अब देखना क्या करना है इसमें, इसको क्या करना है, खाली माइनस कर रहे थे इसको, इसको भी क्या करते हैं पहले क्या करते हैं माइनस कर दिए, चलो अब क्या आपका आ गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर। सूत्र होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, देखिए इसमें ए का मान कितना आपका है टू एक्स, तो टू एक्स के होल स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है जी टू वाई के होल स्क्वायर, और माइनस टू गुना ए का मान कितना है ए का मान टू एक्स, और बी का मान आपका कितना हो गया टू वाई हो गया टू वाई ना। अब क्या करेंगे इसमें दो बार गुना करेंगे, यानी हमको दो को भी करना क्या बार गुना दो बार, बताया था अभी कि जितना पावर दिया रहे उतना बार क्या करना है हमको गुना करना है, यानी क्या करना है इसको गुना करना है इतना बार, कितना आएगा आपका दो दूनी चार गुना कितना आएगा एक्स गुना एक्स, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस कितना आपका आएगा गुना नहीं कीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या करना है इसमें, इसको भी करेंगे दो बार गुना, कितना आएगा दो को दो बार गुना करेंगे, तीन का आएगा तो तीन के तीन बार गुना करेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है कि संख्या को उतना बार गुना करना है, ये नहीं कि आपको दो दो को दो से गुना करेंगे, नहीं संख्या को, अगर यहाँ पर आएगा तीन दिया हुआ
तो तीन को करेंगे दो बार गुना, एक तीन गुना तीन करेंगे, यहाँ पर रहेगा चार, तो चार को कितना बार गुना करेंगे, दो बार। यहाँ ये संकेत आपका दिया हुआ है कि जो दिया गया संख्या है ना, उसको उतना बार गुना करना, ठीक है। ये संकेत आपका है, यानी कि इसको इससे गुना कर देंगे, नहीं, ये संकेत आपका है कि ये जितना यहाँ पर पावर दो है तो इसी को दो बार गुना करना है, अगर पावर यहाँ पर तीन रहेगा तो इसी को कितने बार गुना करेंगे, तीन बार गुना करेंगे, ये आपका संकेत है गुना करने का, ठीक है। यानी कि हमको इसी से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो को गुना करेंगे दो बार, कितना का दो दूनी चार आएगा ना, कितना का दो चार बाई स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि बाई गुना बाई बाई स्क्वायर आएगा। अब गुना कर दो कितना का दो दूनी चार और चार दूनी आठ, तो मास कितना आ गया आपका एट वाई, ये आपके क्या आंसर होगी, ठीक है। अब इसे देखते हैं ए मास बी के फुल स्क्वायर, फिर क्या होगा जी, फिर क्या होगा, यही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मास टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मास टू ए बी। अब यहाँ पर क्या आ गया, ए का मान कितना आ गया जी, कितना स्क्वायर प्लस बी का कितना आ गया वन बाई फोर के स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू गुना थ्री एक्स गुना वन बाई फोर, इसको काटेंगे, कट रहा है ना, तो कितना दो दूनी चार काटेंगे, देखो इसका थोड़ा सा चलते हैं डिटेल में लेकर, ठीक है, इसका नहीं पता चला हुआ तो इसको क्या करेंगे दो बार गुना करेंगे, यानी हम गुना करेंगे थ्री एक्स, देखो यहाँ पर क्या करेंगे अब, तो थ्री एक्स को दो बार गुना करना, देखो ये संकेत आपको आ गया, इससे तो गुना तीन गुना दो तो करना नहीं है। ये संकेत क्या बताता है कि जो संख्या छोटे कोष्ठ के अंदर दिया हुआ है उसको उतना बार गुना करना है, अगर यहाँ पर आता तीन तो इस संख्या को केवल बार गुना करेंगे तीन बार, यानी तीन गुने तीन गुने तीन, यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है दो, यानी क्या मतलब कि इसी संख्या को कितना बार गुना करना है, कितना बार दो बार, यानी तीन गुना तीन, तो कितना आपका आएगा, तो कितना आएगा आपका, तो तीन गुना तीन करेंगे कितना आएगा आपका, तो थ्री गुना थ्री करेंगे तो कितना आएगा, तीन दिया नौ, यानी यहाँ पर कितना नौ आ गया। अब एक्स को भी क्या करना है दो बार गुना, बताया थे ना, तो एक्स गुना एक्स हमेशा क्या आता है एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर दोनों पर है, देखिए कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा दो है ना, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्या कहते बताए थे, अगर बटा में रहे तो इस पर भी पावर उतना ही है और इस पर भी पावर दो ही है ना, अगर यहाँ पर तीन रहेगा तो एक पर भी पावर तीन है और चार पर भी पावर क्या है तीन है, तो क्या करेंगे, एक पर पावर दो है तो एक गुना कितना आएगा एक आएगा, और कितना आएगा चार सौ के सोलह, मास की देखिए क्या ठीक है। अब यहाँ पर थ्री एक्स ना है तो तीन दो नहीं करता है ना, तो गुना करेंगे तीन गुना वन कितना करेंगे तीन, और क्या करेंगे दो से दो गुना कर देंगे, ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब इतना समस्या देखते हैं अंक वाला, ठीक है। अब अंक वाला क्या देखेंगे, ऐसा आपको दे रहेगा ना यहाँ पर अंक वाला में, ऐसा आपको दे रहेगा, आपको दे रहे हैं अंठानवे, इसका स्क्वायर निकालना, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे इसको हम, इसको लिख सकते हैं ना सौ माइनस दो, क्योंकि सौ में से घटाएंगे दो तभी तो अंठानवे आएगा, हाँ इसको स्क्वायर कर दो। अब ये हो गया, क्या हो गया बी हो गया, तोड़ दीजिए इसको है ना, तोड़ क्या होगा आपका होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर सौ के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे ना, अच्छा होगा माइनस टू गुना ए गुना कितना जी बी करेंगे यहाँ पर ना, ये क्या आएगा इसका, तो यहाँ पर आपका इतना आ जाएगा दस हज़ार आ जाएगा, पाँच दो दूनी चार, पाँच दो दूनी कितना आएगा चार सौ आएगा है ना, क्या करेंगे आप प्लस में जोड़ लेंगे पहले, ठीक है, तो यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर इतना मास कितना आ गया आपको चार सौ आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे घटाएंगे आप, देखिए तो चार में से घटेगा जीरो, तो चार बचेगा ना, फिर जीरो, फिर देखिए अब जीरो आ गया, जीरो में चार नहीं घटेगा छोचा दस, अब यहाँ पर कितना होगा नाइन, यानी क्या हो गया कितना चल गया, यानी इसको घटाएंगे इसमें से कितना इस आएगा है ना, तो चार की चलो चार जीरो आ गया आपका, फिर कितना आएगा आपको यहाँ पर कितना छोचा दस और फिर नौ, फिर थोड़ा सा है ना, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए एक बार देखिए इसको, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो क्या करिएगा इसको है ना, इसको बनाइएगा और हम ठीक है अगले वीडियो में बताएंगे, कुछ और बताएंगे इसी पर, तो इसको बनाइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ठीक है, तो जानने करते क्या करना आपको है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और क्या करना है शेयर करना, ठीक है, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि और भी बच्चा क्या करेंगे पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो अगर कुछ इसमें है ना अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और भी कुछ किस पर वीडियो आपको चाहिए तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है ना, जय हिंद जय भारत।